आज हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन एंड सिक्रीशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन एंड थायरॉयड हॉर्मोन्स बाय थायरॉयड सेल्स। इसके लिए सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। जैसे ये थायरॉयड ग्लैंड है, इस थायरॉयड ग्लैंड से मेनली दो तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे T3 और T4। T3 को हम लोग ट्राई आयोडोथायरेनिन और T4 को हम लोग टेट्रा आयोडोथायरेनिन या फिर थायरोक्सिन भी कहते हैं। T4 जो होता है वो 93% ऑफ द मेटाबॉलिकली एक्टिव हार्मोन होता है, जबकि T3 जो होता है वो 7% ऑफ द मेटाबॉलिकली एक्टिव हार्मोन होता है। इवेंचुअली T4 जो होता है वो T3 में जाकर के कन्वर्ट हो जाता है सेल्स के अंदर, क्योंकि T3 की पोटेंसी जो होती है वो T4 से 4 times होती है। अब कुछ फिजियोलॉजिकल इवेंट फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी पढ़ लेते हैं हम लोग थायरॉयड ग्लैंड का। इस थायरॉयड ग्लैंड के अंदर बहुत सारे थायरॉयड फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये थायरॉयड फॉलिकल्स हैं, इन थायरॉयड फॉलिकल्स को लाइन करती हैं कुछ क्यूबॉइडल सेल्स। ये कुछ क्यूबॉइडल सेल्स हैं जो कि थायरॉयड फॉलिकल्स को लाइन करती हैं, इनको हम लोग फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं। इसके अंदर फिल्ड होता है, ये थायरॉयड फॉलिकल्स के अंदर फिल्ड होता है कोलोइड। इस कोलोइड का मेन कंस्टिट्यूएंट होता है थायरोग्लोबुलिन, जिसके अंदर थायरॉयड हार्मोन्स का जिसके अंदर थायरॉयड हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। और ये थायरोग्लोबुलिन एक्चुअली में एक लार्ज ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, जिसके अंदर थायरॉयड हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो फॉलिकल्स हैं, इन फॉलिकल्स के बीच में इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर पैराफॉलिकुलर सेल्स या फिर सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये पैराफॉलिकुलर सेल्स या फिर सी सेल्स जो होती हैं वो थायरोकैल्सिटोनिन रिलीज करने का काम करती हैं। इसके बाद हम अब आ जाते हैं मेन हमारा चार्ट स्टेप्स, जिससे हम लोग क्या करेंगे, थायरोग्लोबुलिन और थायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन समझेंगे। तो ये हमारा मेन चार्ट है, जिसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जैसे ये ब्लड है हमारा, ये फॉलिकुलर सेल्स है और ये कोलोइड है। तो ब्लड से क्या होता है, सबसे पहला स्टेप आयोडीन ट्रैपिंग का होता है। ब्लड से हम लोग आयोडीन को फॉलिकुलर सेल्स के अंदर लेते हैं। इसका मैकेनिज्म क्या होता है कि हमारे पास एक पंप होता है जिसका नाम होता है आयोडाइड पंप या फिर सोडियम आयोडाइड सिंपोर्टर। ये जो पंप होता है ये आयोडाइड ट्रैपिंग करने का काम करता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ द आयोडाइड फ्रॉम द ब्लड इनटू द फॉलिकुलर सेल्स होता है, जो कि अचीव किया जाता है बाय द एक्शन ऑफ द सोडियम आयोडाइड सिंपोर्टर या फिर आयोडाइड पंप। इसमें क्या होता है, को ट्रांसपोर्ट ऑफ वन आयोडाइड आयन अलॉन्ग विथ 2 sodium ion होता है। मतलब 2 sodium ion जो होता है वो एक आयोडाइड आयन को अपने साथ अंदर लेकर के आने का काम करता है। क्योंकि ये एक पंप है इसलिए इसको ऑपरेट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ये एनर्जी जो होती है वो सोडियम पोटेशियम ATPase से आती है, जो कि सोडियम को ब्लड में ट्रांसपोर्ट करता है, जिससे सोडियम का लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाता है और ये सोडियम वापस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से ब्लड से फॉलिकुलर सेल्स में आ जाता है आयोडाइड आयन को अपने साथ लेकर के। ये पूरा मैकेनिज्म आयोडीन ट्रैपिंग का होता है। अब आयोडीन ट्रैपिंग के बाद आयोडीन जो हो जाता है वो फॉलिकुलर सेल्स के अंदर आ जाता है। ये आयोडीन जो होता है वो अल्टीमेटली हम लोग देखेंगे आगे कि थायरोग्लोबुलिन के साथ जाकर के जुड़ने का काम करेगा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि थायरोग्लोबुलिन का सिंथेसिस कैसे हुआ। तो फॉलिकुलर सेल्स के अंदर जो टायरोसिन अमाइनो एसिड्स होते हैं वो सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जा करके प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, लार्ज ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिनको हम लोग थायरोग्लोबुलिन कहते हैं। हमें पता है अमाइनो एसिड जो होते हैं वो जब पैक होते हैं तो प्रोटीन के फॉर्म में निकलते हैं, और यहाँ पे ये टायरोसिन अमाइनो एसिड जो हो जाते हैं वो लार्ज ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल, जो कि प्रोटीन विद अ कोटिंग ऑफ शुगर, जिसको हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, ये थायरोग्लोबुलिन के फॉर्म में अपीयर होती है। टोटल 70 टायरोसिन अमाइनो एसिड्स थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स गोल्जी बॉडीज के अंदर पैक होकर के वेसाइकल्स के फॉर्म में बाहर निकलती है। अब ये जो वेसाइकल्स के फॉर्म में फॉलिकुलर सेल्स से ये क्या हो जाती है, बाहर निकलती है, मतलब बाहर मतलब अंदर निकलती है, एक्चुअली में कोलोइड के अंदर निकलती है। अब ये जो आयोडाइड आयन आया था, ये पेंड्रिन एक स्मॉल प्रोटीन होता है जो कि क्लोराइड आयन ट्रांसपोर्टर होता है। ये पेंड्रिन प्रोटीन जो एक स्मॉल प्रोटीन होता है उसके हेल्प से ये आयोडाइड आयन फॉलिकुलर सेल से कोलोइड के अंदर आ जाती है। अब जब आयोडाइड आयन अंदर आ जाती है तो एक एपिकल एंजाइम प्रेजेंट होता है, एपिकल मेम्ब्रेन ऑफ द फॉलिकुलर सेल्स में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है परऑक्सीडेज एंजाइम, जो कि आयोडाइड आयन का ऑक्सीडेशन करवा देता है। आयोडाइड आयन का ऑक्सीडेशन करवा करके उसको हायर ऑक्सीडेशन फॉर्म के स्टेट में, जैसे I0 या फिर I3- के स्टेट में रख देता है। अब ये जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ द आयोडाइड आयन होता है ये थायरोग्लोबुलिन के साथ जाकर के जुड़ने का काम करता है। द बाइंडिंग ऑफ इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ द आयोडाइड आयन या फिर ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ द आयोडाइड आयन। द बाइंडिंग ऑफ द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ द आयोडाइड आयन विद द थायरोग्लोबुलिन इज नोन एज ऑर्गेनिफिकेशन। इस प्रोसेस को हम लोग ऑर्गेनिफिकेशन कहते हैं। ऑर्गेनिफिकेशन होने के बाद ये थायरोग्लोबुलिन जो होता है, ये देखिए ये थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल है, इसमें ये जो प्रोजेक्शंस है, थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल एक्चुअली में हमने कहा लार्ज ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल है। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब होता है क्या, प्रोटीन विद अ कोटिंग ऑफ शुगर। तो सिंपल सी बात है,
कि जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है और वो प्रोटीन किससे बना है, टायरोसिन अमाइनो एसिड से बना है। तो ये एक्चुअली में टायरोसिन अमाइनो एसिड्स का जो लीनियर पैकेजिंग होगा या फिर पैकेजिंग होगा उसी से बना होगा प्रोटीन, और प्रोटीन जो होगा वही प्रोटीन के ऊपर शुगर की कोटिंग होगी तो वो होगा ग्लाइकोप्रोटीन, और इसी को हम लोग कह रहे हैं थायरोग्लोबुलिन। तो ये जो टायरोसिन अमाइनो एसिड्स के रेसिड्यूज हैं इस पर जाकर के ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ आयोडीन जाकर के इससे अटैच हो जाता है, और अटैच होने के बाद क्या बना देता है, अगर एक आयोडाइड आयोडाइड आयन जाकर के अटैच होगा तो वो मोनो आयोडाइड टायरोसिन या फिर एमआईटी, और अगर दो अटैच होगा तो एक टायरोसिन पर अगर दो अटैच होगा तो डाई आयोडो टायरोसिन या फिर डीआईटी बना देगा। इसके बाद क्या होता है कि ये जो एमआईटी और डीआईटी बनते हैं इनके बीच में कपलिंग रिएक्शंस होती है, ये कपलिंग रिएक्शंस होती है जिसकी वजह से दो एमआईटी मिलकर के एक डीआईटी भी बनाते हैं। तो अल्टीमेटली हम लोग कह सकते हैं कि डीआईटी बनने के लिए दो प्रोसीजर्स होते हैं, या तो एक टायरोसिन मॉलिक्यूल पे दो आयोडाइड आयन जा करके जुड़ जाए, या तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि दो एमआईटी मिलकर के एक डीआईटी बना दे। तो इसी तरह हम लोग थायरोग्लोबुलिन में हमें एमआईटी और डीआईटी मिल जाता है, इनके बीच में फिर कपलिंग रिएक्शन होती है। तो मोनो आयोडो टायरोसिन मतलब एक टायरोसिन अमाइनो एसिड का चेन होगा जिसमें एक आयोडीन होगा, और डाई आयोडो टायरोसिन मतलब दो टायरोसिन अमाइनो एसिड का चेन होगा, सॉरी एक टायरोसिन अमाइनो एसिड का चेन होगा जिसमें दो आयोडाइड आयन होगा। अब क्या होगा, इस एमआईटी और डीआईटी के बीच में कपलिंग रिएक्शन होगा। कपलिंग रिएक्शन होने से क्या होगा कि एमआईटी और डीआईटी का जब कपलिंग रिएक्शन होगा तो T3 बनेगा, और डीआईटी और डीआईटी का जब कपलिंग रिएक्शन होगा तो T4 बनेगा। ऑब्वियसली बात है, एमआईटी में एक आयोडीन है, डीआईटी में दो आयोडीन है, इन दोनों के बीच का जब समिशन होगा या फिर कपलिंग रिएक्शन होगा तो T3 या फिर तीन ट्राई आयोडोथायरोनिन बनेगा, और डीआईटी या फिर डाई आयोडोथायरोनिन और डीआईटी डाई आयोडोथायरोनिन का जब कपलिंग रिएक्शन होगा तो T4 बनेगा, या फिर हम लोग कहते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन बनेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग कहते हैं कि ये जो पूरा मॉलिक्यूल होगा वो थायरोग्लोबुलिन का अल्टीमेट मॉलिक्यूल होगा जो कि स्टोर कर लिया जाएगा। इस स्टोरेज फॉर्म ऑफ द थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल में हमें 30 टाइम्स T4 हार्मोन देखेंगे, फ्यू T3 हार्मोन देखेंगे, एंड 3/4 ऑफ एमआईटी डीआईटी वैसे के वैसे फॉर्म में दिखेगा। अब जब ये स्टोर हो जाएगा, स्टोर होने के बाद जब इसको रिलीज करने का टाइम आएगा, जब हमारे ब्लड को इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसको रिलीज किया जाएगा। हमें पता है कि स्टोर थायरॉयड ग्लैंड ही एक ऐसा ग्लैंड है जो कि अपने हार्मोन्स को स्टोर करता है, बाकी सारे ग्लैंड्स अपने हार्मोन्स को बनाते ही सिक्रीट कर देते हैं, ये जो ग्लैंड होता है वो अपने हार्मोन्स को स्टोर करने का काम करता है। अब ये जो थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल है इसको जब रिलीज करने का टाइम आएगा तो ये जो पूरा मॉलिक्यूल है इसका क्या होगा, पिनोसाइटोसिस होगा। फॉलिकुलर सेल्स कुछ स्यूडोपोडिक एक्सटेंशंस करेंगी जिसमें क्या होगा कि ये थायरोग्लोबुलिन जो होगा वो अंदर की तरफ जिसमें क्या होगा कि ये जो थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल होगा वो अंदर की तरफ आएगा और इसका क्या होगा, पिनोसाइटोसिस होगा। पिनोसोम के फॉर्म में ये थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल अंदर की तरफ जाएगा, फिर इसमें लाइसोसोम जाकर के एक्ट करेंगे जिससे T3 और T4 अलग निकल जाएगा और MIT और DIT अलग निकल जाएगा। ये MIT और DIT जो होगा डी आयोडोनेज एंजाइम के प्रेजेंस में इसमें से आयोडीन बाहर निकल जाएगा और वो रिसाइकलिंग में यूज हो जाएगा, और ये जो T3 और T4 निकला है वो ब्लड के अंदर सर्कुलेट हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म होता है जिससे हम लोग कहते हैं कि आयोडीन को कैसे ब्लड से हम लोग कोलोइड के अंदर स्टोर करते हैं, और कैसे इसको T3 और T4 के फॉर्म में जो कि थायरोग्लोबुलिन से जब जुड़ा है ये आयोडीन T3 और T4 के फॉर्म में ये कैसे बाहर निकल जाता है ब्लड से। तो ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म होता है कि कैसे हम लोग फॉर्मेशन करते हैं थायरोग्लोबुलिन, कैसे हम लोग फॉर्मेशन करते हैं थायरोग्लोबुलिन का, और कैसे हम लोग रिलीज करते हैं T3 और T4 हार्मोन्स का। थैंक यू।